हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे कि हमारे अभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि 9 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त किए गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि एक साथ ही हमारे 9 जजेस यहाँ पे आए हैं। तो पहले जान लेंगे कि हमारा इस वाले वीडियो में हम लोग डील करेंगे कि अपॉइंटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वो कैसे किया जाता है, और फिर बात करेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम जिसपे काफ़ी बच्चों के डाउट्स रहते हैं वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़ थी उसी से स्टार्ट करेंगे। क्या न्यूज़ में लिखा हुआ है या क्या न्यूज़ में दिया हुआ है ये जान लेते हैं कि 9 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टुक ओथ ऑन थर्सडे एंड दिस इज़ द बिगेस्ट एवर नंबर एट वन गो। ठीक है, तो हमने इसमें जानी बात कि यहाँ पे 9 जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने ओथ ली है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बार में हमारा यानी कि एक साथ हमारे 9 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करे गए हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, क्यों ये हमारे लिए न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जजेस करे गए हैं उसमें से 1/3 जो है हमारी वो विमेन है, यानी कि 3 out of 9 आर विमेन। तो इसीलिए जो हमारी अब ये स्ट्रांग बेंच जो बन जाती है, यानी कि हमारे जो 33 जजेस हैं, तो वो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की है वो 34 जजेस की है, यानी कि अभी फिलहाल के लिए हमारी 33 जजेस की पूरी जो वैकेंसी है वो फुलफिल करी गई है, और अब हमारे पास सिर्फ एक वैकेंसी रहती है। तो इसमें से हम बात करेंगे कि 33 की जो बेंच बनती है उसमें से, हालांकि ये है कि हमारे पास अभी टोटल जो विमेन है वो 4 women judges हमें यहाँ को देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, विमेन एम्पावरमेंट की भी बात करता है और एक जेंडर इनइक्वलिटी को या डिक्रीज करने की बात करता है। इसके बाद हम देख लेंगे कि कौन कौन से जजेस जो हैं हमारे यहाँ पे नियुक्त करे गए हैं। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे जानना ही ज़रूरी है कि यहाँ पे जो कर्नाटका की हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट की जो जस्टिस रही है, यानी कि इनका नाम है BV नागरनाथ, जो कि हमारी अपॉइंट करी गई हैं। तो जानने वाली बात ये है कि ये अपॉइंट करी गई हैं, और अगर हम देखेंगे तो आने वाले टाइम में हम कह सकते हैं कि इंडिया को पहली विमेन चीफ जस्टिस मिल सकती है बाय द ईयर ऑफ 2027। आगे हम वीडियो में समझेंगे कि अगर हम CJI को अपॉइंट करते हैं तो हमारा एक कह सकते हैं कि एक प्रोसीजर होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी हम यहाँ पर जजेस को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो BV नागरथा जो है वो पहली हमारी यहाँ पे विमेन चीफ जस्टिस बन सकती हैं ऑफ द इंडिया, कह सकते हैं कि पहली ये विमेन हमारी बनते हुए नजर आएंगी। इनके अलावा दो और चीफ जस्टिसेस जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करी गई हैं, उनका नाम है तेलंगाना की हाई कोर्ट की जस्टिस चीफ जस्टिस हेमा कोहली जी, और दूसरी हम बात करेंगे जस्टिस बेला त्रिवेदी जी की, जो कि हमारी गुजरात हाई कोर्ट की जज रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हमारी ये 3 जजेस जो हैं वो एक साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की क्या करी हुई है, अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, या फिर उन्होंने हमारी ओथ ली हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे हाई कोर्ट के आर्टिकल्स, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में हम किसकी कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो डील करते हैं। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी होगा कि यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल 124 से लेकर के 147 किस में, पार्ट फिफ्थ आपका किससे डील करता है, यूनियन से। यूनियन जो है हमारा यानी कि संघ की बात करता है पार्ट फिफ्थ में, उसी में आपका एक आपको यूनियन जुडिशरी की बात देखने को मिलेगी, जो कि आर्टिकल 124 से 147 से डील करता है। एंड इन दीज आर्टिकल्स वी विल डील अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स एंड प्रोसीजर्स एंड सो ऑन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इसमें कैसे नियुक्ति होगी, क्या क्या उनकी इंडिपेंडेंसी होती है, इस तरीके की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इनफैक्ट न्यूज़पेपर में भी आप चाहें तो यहाँ पे डील कर सकते हैं या देख सकते हैं कि हमारे कैसे यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है वो समझाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कि हमारे इंडियन जुडिशरी के क्या क्या मेन फीचर्स हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग क्या जाने यहाँ पे, फीचर्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी जाने, कि फीचर्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी कैसे, क्या क्या हमारे डिफरेंशिएट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज द
इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, यहीं पे मैं इसको समझाते हुए चलूंगी कि ये किसकी बात करता है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जो है वो बेसिकली किसकी बात करता है, तो ये कहता है कि अगर हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, तो ये इंटीग्रेटेड है, जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका, आप कहेंगे कि जो यहाँ पे आपका हाई कोर्ट रहता है या फिर सुप्रीम कोर्ट रहता है, ये दोनों के दोनों आपके यहां पे क्या करेंगे, इट विल इन्फोर्स कैसा, यूनियन लॉज और स्टेट लॉज। ठीक है, जानने वाली बात क्या है कि यहां पे जब हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात करते हैं तो यानी कि यहां पर हाई कोर्ट भी आपके दोनों के दोनों, यानी कि यूनियन लॉज को और साथ साथ स्टेट लॉज को इन्फोर्स करेगा। यानी कि ऐसा सिस्टम नहीं है कि हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ स्टेट लॉज को इन्फोर्स करने की बात करता है और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ यूनियन लॉज को बात करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इंटीग्रेटेड का कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही अपने अपने लेवल पर यूनियन लॉज को और स्टेट लॉज को इंप्लीमेंट करवाने का, इन्फोर्स करवाने का काम करेंगे। सेकेंड अच्छा फीचर है यूनिफाइड जुडिशरी, जो हम देखते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या है, एक हायरार्की दी गई है, हायरार्की ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हमने ये देखा था या हम ये पढ़ते हैं कि हमारे नीचे, सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहते हैं, देन उनके ऊपर हाई कोर्ट रहता है, देन उसके ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम एपेक्स कोर्ट बोलते हैं, वो रहता है। यानी कि आप एक, आपको एक सिस्टम देखने को मिलता है, हायरार्की ऑफ कोर्ट देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसको यूनिफाइड जुडिशरी के तौर पे जानते हैं। उसके बाद अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। हम देखेंगे, अगर हम बात करेंगे ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स, तो इसने ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को हटाया, रिप्लेस किया, और उसकी जगह पर हमने सुप्रीम कोर्ट लेकर के आया। यानी कि सबसे बड़ा कहते हैं ना, एपेक्स कोर्ट जो है वो यही है, यानी कि इससे बड़ा यहाँ पे जो जजमेंट दे दिया वो फाइनल हो जाएगा। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम ये देखते हैं कि इट इज़ द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम बार बार पढ़ते हैं कि ये गारंटी देता है हमें फंडामेंटल राइट्स की, इसीलिए जब हम बात करेंगे ना, जब हम फंडामेंटल राइट्स को कभी देखेंगे वीडियो में, हम कभी डिस्कस करेंगे, तो हमें ये देखने को मिलता है कि हम लोग यहाँ पर अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो उसमें हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं। इसीलिए ये गारंटर कहता है फंडामेंटल राइट्स का और गार्जियन कहलाता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल है। ये वाला जो पॉइंट है ना, इंडिपेंडेंसी और इम्पार्शियल, ये चीज थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे जब हम पढ़ेंगे कि क्या जो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस होता है उसमें हमने इस लेवल पे इसी इंडिपेंडेंसी को कैसे हमने देखा और कैसे हमने यहाँ पे एनजेक को हटाया था। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे फैक्चुअल नॉलेज है इसके बारे में, आप नोट कर लेंगे कि क्या सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट जो है वो अडॉप्ट किया गया था किससे, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 1935 से हमने इसको लिया गया है, और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950 में। ठीक है, ये कुछ कंसेप्चुअल नॉलेज है, आप देख लेंगे इसको। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपका कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कॉलेजियम सिस्टम है क्या। हम देखेंगे यहाँ पर कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम अपॉइंटमेंट या फिर ट्रांसफ़र ऑफ जजेस जो है ऐसे प्रोसेस देखते हैं। कैसे, जैसे कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इट इज़ द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेस दैट हैज़ इवॉल्व्ड थ्रू जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ये क्या है, बेसिकली अपॉइंटमेंट कैसे किया जा रहा है जजेस का, या फिर उनका ट्रांसफ़र कैसे किया जा रहा है उसके बारे में ये बात करता है। लेकिन किसके द्वारा, कि जो जो सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स रहे हैं वहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है ये धीरे धीरे इवॉल्व होता हुआ दिखा है। अगर मैं मेनली अगर आप बात करूँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम कौन से वाले ईयर से हम लोग को देखने को मिलता है, तो हम बात करेंगे कि 1993 में जहाँ पे हमें सेकेंड जजेस केस देखने को मिला था, वहाँ से ये कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व होते हुए दिखा है। और आपके आने वाले टाइम में ये इसमें और ज़्यादा क्या है, चेंजेस देखने को मिले गए हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इट इज़ नॉट बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और बाय एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कंप्राइजेज ऑफ 4 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हेडेड बाय द CGI। ठीक है, तो हमने जाना कि कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है, बेसिकली किसके लिए किया जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम लोग अपॉइंटमेंट कर सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं जजेस का, और जो कि इवॉल्व हुआ है धीरे
धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के खुद ही जजमेंट्स के द्वारा। ये कोई एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा नहीं बनाया गया और ना ही इसके लिए कोई एक प्रोविजन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे जान लेंगे इफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि अब यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, क्योंकि इसको हमने विमेन एम्पावरमेंट से भी जोड़ दिया है और ये एक बार के लिए हमारा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक इसने हिस्ट्री बिल्ड करी है कि एक साथ ही हमने 9 जजेस को जो है अपॉइंट किया गया है इन द सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम एंड व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू दैट, तो यू कैन पॉइंट डाउन दीज इश्यूज रिलेटेड टू दैट। तो हम बात कर लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या ये कॉलेजियम सिस्टम जो है ये क्यों थोड़ा सा हमारे लिए कह सकते हैं उतना प्रभावी क्यों नहीं, फ्रूटफुल क्यों नहीं हुआ है। तो ये देख लेते हैं कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि जजेस को अगर आप नेम देते हैं कॉलेजियम सिस्टम के बेसिस पे, अगर आप नेम रिकमेंड्स करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है कि ऑन व्हाट बेसिस यू आर रिकमेंडिंग द नेम्स। सेकंड देखते हैं इट हार्ड टू बिल्ड कंसेंसस, क्योंकि इफ देर आर 4 सीनियर जजेस एंड दे हैव टू रिकमेंड नेम्स, तो यहाँ पे सब लोगों के बीच में कंसेंसस बिठाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है एंड इसी वजह से शायद कोई नेम्स हम आगे नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से हम वैकेंसी को फिल नहीं कर पाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है जो इससे इश्यू रिलेटेड है, वो है कि लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड अदर बैकवर्ड सेक्शंस। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास अभी टोटल जो वैकेंसीज फुलफिल करी गई हैं वो 33 हैं और जिसमें से हमें टोटल जो है वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है ओनली 4 आर द वुमेन जजेस, ठीक है। एंड साथ साथ उसमें से भी हमारा बैकवर्ड सेक्शंस, यानी कि हम ST SC या फिर अदर बैकवर्ड सेक्शंस की बात करें तो वहाँ से भी हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम देखने को मिलता है। एंड दूसरा चीज़ ये बात करेंगे कि डिले इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि अगर हमारा कंसेंसस नहीं बैठ पाता है इसी वजह से अपॉइंटमेंट करने में भी फिर दिक्कत आती है और इसीलिए कहीं ना कहीं ये वैकेंसी को क्रिएट करता है और इसी वजह से जितना भी हमारा पास कितना काम होता है जजेस का या फिर इतने केसेस होते हैं वो पेंडिंग चलते जाते हैं, यही सब चीज़ें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और सबसे फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि NJAC, जब हम देखते हैं कि ये 1999 जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो यहाँ पे हमारा क्या था पार्लियामेंट लेकर के आई थी NJAC, तो ये एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह साबित हुआ। क्यों? क्योंकि 2015 में इसे सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद स्ट्रक डाउन कर दिया, जिसे हम एक क्या मानते हैं 4th जजेस केस मानते हैं, जिसमें हमने ये देखा कि NJAC को सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही क्या कर दिया, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। किस बेसिस पे? जो मैंने पीछे रिलेट किया था कि क्या, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी विच इज कंसिडर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ये क्या करता है, वॉयलेट करता है, ठीक है। चलिए समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में अब हम लोग कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे प्रोसीजर है। थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में कोशिश करूँगी कि यहाँ पे समझा पाऊँ कि अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहला फॉरमोस्ट थिंग है कि अपॉइंटमेंट करता कौन है। तो हम बात करेंगे कि क्या अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पे, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे यानी कि ध्यान में रखने वाली बात ये है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हाउएवर दीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बोलता है कि क्या हम यहाँ पे प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट तो करवाते हैं, लेकिन बात करते हैं कि जो कंसल्टेशन होना चाहिए किसके द्वारा, चीफ जस्टिस के द्वारा और अदर जजेस के द्वारा। अब बात क्या आती है, बात समझने वाली ये है कि यहाँ पे जो कंसल्टेशन वर्ड है ना, ये मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि क्वेश्चंस ना यहीं से मिलते हैं, क्योंकि कंसल्टेशन जो बोल रहा है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 143 की, जिसमें हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर अगर कोई मैटर्स में अगर प्रेसिडेंट को कोई सलाह चाहिए सुप्रीम कोर्ट से तो वो ले सकता है, हाउएवर द एडवाइस स्टैंडर्ड इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट When it comes to the appointment of the judges, we use the word consultation. तो remember this thing कि क्योंकि अब जो cases चल रहे हैं, यानी कि अब जो हमारा format चलता है उसके according this consultation is binding on the president of India. यानी कि इसको ऐसे समझेंगे कि president अब क्या करेगा, it should be in the concurrence with the recommendations
ऑफ द जजेस गिवन बाय द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जान लेते हैं इस कंसल्टेशन से रिलेटेड हमारी जितनी भी चीज़ें रहीं और कॉलेजियम सिस्टम को भी हमने कैसे इवॉल्व होते हुए देखा। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है फर्स्ट जजेस केस, इसको हम लोग एस पी गुप्ता वर्सेस यूनियन भी कहते हैं, जो कि आपका 1982 में केस देखने को मिला। ठीक है, तो सबसे पहला केस था इसीलिए इसको फर्स्ट जजेस केस कहा जाता है। ठीक है, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहां पे अगर हम बात करेंगे तो इस केस में सबसे पहला जो था ये केस में बात हुई थी कि जो कंसल्टेशन जो हम वर्ड यूज करते हैं, इज इट इट इज बाइंडिंग और नॉट। तो समझते हैं कि सबसे पहले केस में यहाँ पे क्या क्या जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ पे जो ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं कंसल्टेशन, तो ये क्या है, ये जरूरी नहीं है कि ये कोहरेंस होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो कंसल्टेशन है वो ऑब्लिगेटरी नहीं होगी। किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, कि जो नाम यहाँ पर सीजेआई दे रहा है प्रेसिडेंट को नियुक्ति के लिए, तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्ट ऑन हिज एडवाइस। ठीक है, ये पहले वाले केस में हमें, यानी कि एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन वाले केस में हमें देखने को मिला था। अब बात करेंगे सेकंड जजेस में, सेकंड जजेस केस जो है वो 1993 में होता हुआ दिखा, तो इसमें यहाँ पे उन्होंने अपने ही वर्डिक्ट को उल्टा कर दिया और ये कहा गया कि यहाँ पर जो कंसल्टेशन यहाँ पे लिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो चीफ जस्टिस यहाँ पे जो भी कंसल्ट करेंगे या फिर एडवाइस देंगे कि किन किन का नाम रिकमेंड करना है, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू टेक दिस, यानी कि यहाँ पे एक वर्ड यूज करा कि कंकरेंस होना चाहिए। ठीक है, आप कंकरेंस मतलब कि यहाँ पे दोनों के बीच में एक कह सकते हैं कोहरेंस बननी चाहिए, दोनों के बीच में आप ना आप कह सकते हैं कि दोनों की चीज़ें जो निकल करके आएंगी तो वो दोनों की ही मानने वाली होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिकमेंडेशन देंगे उसको वो प्रेसिडेंट को माननी होगी। अच्छा, एक चीज़ और जान लेंगे कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट जब नाम सॉरी सीजेआई जब नाम देगा तो सीजेआई को यहाँ पर टू अदर सीनियर मोस्ट जजेस को भी सलाह लेनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि जब भी वो यहाँ पर रिकमेंड करेगा किसी और जजेस के नाम, जब वो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए किसी और जजेस के नाम जब वो रिकमेंड करेगा, तो यहाँ पर वो सिर्फ सिंगल ही अपना ओपिनियन नहीं देगा बल्कि उसको दो अदर सीनियर मोस्ट जजेस के साथ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्कस करना पड़ेगा उस मैटर को, और उसके बाद ही वो यहाँ पर नेम देगा प्रेजिडेंट को। फिर थर्ड जजेस केस में, यानी कि आपने देखा कि यहाँ पर ये जो सिस्टम हो रहा है ना, कौन सा सिस्टम, कि यहाँ पर सीजेआई का और प्लस कह सकते हैं अदर जजेस का कि अपॉइंटमेंट में जो रोल हो रहा है, तो ये जो सिस्टम इवॉल्व होता हुआ दिखा इसी को हम कॉलेजियम कहते हैं और ये 1993 के केस के बाद इवॉल्व होता हुआ दिखा। फिर 1998 में यहाँ पर क्या चेंजेस हुए उसको बात करेंगे, तो 1998 वाले केस में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि कंसल्टेशन बाइंडिंग तो होगा लेकिन यहाँ पर अब दो से बढ़ाकर करके फोर सीनियर मोस्ट जजेस कर दिए गए थे। ठीक है, फोर सीनियर मोस्ट जजेस कर दिए गए थे यहाँ पे, यानी कि ये बोला गया कि सीजेआई यहाँ पे कंसल्ट करेगा फोर अदर सीनियर मोस्ट जजेस, और अगर यहाँ से दो में से चार में से दो भी अगर किसी ने मना कर दिया तो वो आगे रिकमेंडेशन सेंड नहीं करी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉलिजन सिस्टम हो गया ये वो बहुत और भी स्ट्रांग होता हुआ दिखा और ये बोला गया कि यहाँ पे सीजेआई प्लस फोर अदर सीनियर जजेस जो है यहाँ पे आपका डिस्कस करेंगे और एक अपना ओपिनियन बनाएंगे, और ओपिनियन बनाने के बाद यहाँ पे जितने भी जजेस के नेम हैं वो आगे फर्दर रिकमेंडेशन के लिए या फिर ओपिनियन के बेसिस पे प्रेसिडेंट को पास करेंगे और फिर उनकी नियुक्ति करवाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो चुका है कि यहाँ पे सोल ओपिनियन ऑफ द सीजेआई विल नॉट मैटर, यानी कि सोल सीजेआई का मैटर ही नहीं यहाँ पे लागू करवाया जाएगा, इनफैक्ट यहाँ पे जो अदर सीनियर जजेस है उनका भी ओपिनियन लिया जाएगा। अब बात करते हैं फोर जजेस केस की, फोर्थ जजेस केस जो है इसको 2015 में देखा जाता है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एनजैक की। सबसे पहले एनजैक को जान लेते क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये एक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं इसमें, 99th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया। इसमें हमने ये चेंजेस लगाया कि यहाँ पर
अब जो हम लोग यहाँ पर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं जजेस का, वो हम कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर ना करते हुए हम क्या करेंगे, एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिठाएंगे, और उसमें क्या होगा, एग्जीक्यूटिव का भी रोल देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि उसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी का भी रोल देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं मोटे मोटे तौर पे, अगर आपको समझाऊं, तो यहाँ पे अगर 6 मेंबर्स हैं तो 6 में से आपके 3 जो हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट से होंगे और 3 जो होंगे वो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे। तो इनके वजह से जो ये लोग नाम रिकमेंड करेंगे, उनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे प्रेजिडेंट जो है यहाँ पे अपॉइंट करता सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन क्या हुआ, बात ये हुई कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रोल क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल 50 जो पढ़ते हैं ना, that there is a separation of powers between the, किसकी बात करते हैं, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये जो जब बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हनन होता हुआ दिखा। और साथ साथ यहाँ पे जो इंडिपेंडेंसी है, यानी कि आपकी जो स्वतंत्रता है किसकी, जुडिशियल सिस्टम की, वो कहीं ना कहीं उसको वॉयलेट करता हुआ दिखा। इसी वजह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ही आपका 2015 में इस 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, और ये बोला गया कि क्या ये हमारी इंडिपेंडेंसी को क्या करता है, वॉयलेट करता है, इसीलिए वी विल कैरी आउट द अपॉइंटमेंट्स विद द कॉलेजियम सिस्टम। तो अगर मैं आपको अभी का सिनेरियो बताऊं, अभी जो प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं वो हमारा सेम अभी भी कॉलेजियम सिस्टम चलता है, जिसमें हम बात करते हैं कि अगर कैसे हम लोग अपॉइंटमेंट करते हैं, हम लोग अभी भी क्या चीज़ करते हैं कि CJI होगा और उसके साथ 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, जो यहाँ पे क्या करेंगे, जजेस का नेम रिकमेंड करेंगे और उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे उन जजेस को अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हमने समझने की कोशिश करी कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होता है। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। तो दैट्स इट, थैंक यू।